दोस्तों आज की कहानी है बहु मैगी बना लो सबके लिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब से किराने का सामान आया था तभी से सुरेखा जी ने अपनी नई नवेली बहू रिशा के आंखों की समक मैगी के पैकेट को देखकर समझ लिया था कि ये शायद उसका फेवरेट फूड है। अगले ही संडे शाम को उन्होंने रिशा से कह दिया, बेटा मैगी बना लो सबके लिए। बंदा क्या सहे दो आंखें, इधर दो महीने से रिशा का संचार ही बदल गया था। एकल परिवार से संयुक्त परिवार में उसने प्रवेश किया था। दिलो जान सिड़कने वाला पति निखिल, सास ससुर वो जेठ जेठानी और उनके दो छोटे प्यारे बच्चे अदैया व अरव, वह बेहद खुश थी। हर वक्त सहल पहल लगी रहती क्योंकि मायके में वह इकलौती संतान थी और अकेलेपन का दंश झेल सुखी थी। आठ लोगों के परिवार में हर चीज ज्यादा मात्रा में बनती तो भाई मैगी कैसे कम बनती। रिशा ने खूब जतन कर मैगी बनाई मगर जब खाने बैठी तो वह स्वाद नहीं था जैसा वह अक्सर बनाती थी। उसने सोचा कुछ कमी रह गई होगी, एक दो हफ्ते बाद फिर ट्राई किया। इस बार सब्जियां डाली, मसाले भी ध्यान से डाले मगर फिर भी वह बात नहीं आई जैसे कि वह अक्सर बनाकर खाती थी। इसी कसम कस में थी कि जेठानी से बात करते हुए उसने कहा, पता नहीं क्या हो रहा है दीदी, मैगी उस तरह नहीं बन रही है जैसी मैं बनाती थी। दोबारा बनाई पर मजा ही नहीं आया। जेठानी ने संजीदा होकर कहा, देखो रिशा, अक्सर जब हम ज्यादा चीज बनाते हैं तो वह गड़बड़ हो जाती है मगर थोड़ी बनाए तो वही चीज अच्छी बन जाती है। या तुम आठ लोगों के लिए मैगी बना रही हो और वहां तुम शायद अपने लिए ही बनाती थी इसलिए फर्क पड़ जाता है। हम बात तो सोला आने सस थी, उसके घर में उसके माँ पिताजी कहाँ खाते थे मैगी, वह केवल अपने लिए ही तो बनाती थी मगर यहाँ केवल अपने लिए वह मैगी कैसे बना सकती थी। पर कीड़ा दिमाग में घुस गया था, अब उसका मन होने लगा कि वह सिर्फ अपने लिए मैगी बनाकर शादी के पहले वाले उस स्वाद से रूबरू हो कैसे। ये एक बड़ा प्रश्न था मगर जल्दी मौका मिल गया। जेठ जेठानी और उनके बच्चे किसी शादी में एक हफ्ते के लिए चले गए। इधर निखिल भी ऑफिस टूर पर चार दिन के लिए चले गए। दूसरे दिन दोपहर में जब सास ससुर ने कहा, तुम शॉपिंग के लिए चलोगी क्या, तो उसने साफ मना कर दिया।
नहीं मम्मी, आप लोग जाइए, मुझे वैसे भी कुछ नहीं लेना। इधर सास ससुर शॉपिंग के लिए निकले, उधर मैगी के प्रेम ने रिशा को घेर लिया। अपनी पसंद की मैगी बना बाउल में ले, वह गरम गरम मैगी खाने को ही थी कि बेल बज गई। इस वक्त कौन हो सकता है सोस। दरवाजा खोला तो सामने निखिल खड़े थे, उसे बाहों में भरते हुए बोले, अरे रिशा मैडम, तुम्हारे प्यार के चक्कर में 4 दिन का काम 2 दिन में निपटा कर भगा सला रहा हूँ। फिर सूंघते हुए बोले, ये खुशबू तो मैगी की लग रही है, क्या मैगी बनाई? अचानक रिशा फूट फूट कर रोने लगी, अब क्या हुआ, कुछ गलती कर दी मैंने? नहीं, गलती आपने नहीं करी, गलती मुझसे हो गई। बहुत दिनों से मैगी खाने का मन हो रहा था, जब सब के लिए बनाती है तो इतनी अच्छी नहीं बन रही थी, तो मैंने सोचा मैं केवल अपने लिए बना कर देखूं। इसलिए आज मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई, मैंने गलती कर दी। निखिल बहुत देर तक अपनी प्यारी सी अर्धांगिनी को देखता रहा, वह एक नन्ही बच्चे की तरह रो रही थी। उसे एहसास हुआ कि कैसे लड़कियों का पूरा जीवन बदल जाता है परिवार बदलने से, जो एक सामान्य बात थी। रिशा के घर में वही यहाँ एक बड़ी गलती लग रही थी उसे। फिर उसे गले लगाकर निखिल ने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है रिशा, ये घर तुम्हारा घर है, तुम्हें जब जो पसंद है तुम बनाकर खा सकती हो। मैं भी जब पढ़ता था कॉलेज में तो रात मैं अक्सर अपने लिए मैगी बनाकर खाता था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और घर में कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा। चलो देखे तुम्हारी मैगी कैसी बनी है, मिलकर दोस्तों। ऐसा ही होता है, हम स्त्रियों का जीवन परिवार बदलने के साथ बदल जाता है। जहाँ खुद के लिए बनाकर खाना एक महापाप जैसा लगने लगता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।